जनाब आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी, हमारी सारी जितने भी गुजर कम्युनिटी की तंजीम है ये सारी इकट्ठा होकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है हमने, उसके चेयरमैन हमारे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को चुना गया है। तो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद तीन अहम मसले हैं। सबसे पहले नो रिजर्वेशन टू अपर कास्ट, जो वर्ड पहाड़ी यूज़ किया जाता है बुनियादी तौर पर ये अपर कास्ट है, उसके अंदर भी लोअर कास्ट हैं बेचारे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो अपर कास्ट के खिलाफ है। क्यों? राम नंदन कमीशन बना यहाँ पे और उसने ये कहा कि जनाब क्रीमी लेयर हमने रिजर्व कैटेगरीज के अंदर देखना और उनको निकालना है ताकि क्यू के अंदर लास्ट बंदा जो है उसको बेनिफिट हो सके। तो आप एक और बड़ी क्रीमी लेयर को अंदर डाल रहे हैं, और क्रीमी लेयर ये कैसे हैं, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी, 14 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसमें से 11 ब्राह्मण कम्युनिटी के, राजपूत अगर आप सारा बाहर के आने वाले लोगों को हटा दें तो यहाँ पे 99% राजपूत जो है उन्होंने हुकूमतें की हैं, हमें एहतराम है उनका, लेकिन उनके तकद्दस को ये पामाल करने के लिए हमारे साथ डाल रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के अंदर, और जो शेड्यूल ट्राइब होने के क्राइटेरिया हैं वो इनमें से कोई भी फिल नहीं करता। तो ये एक पॉलिटिकल टाइप का एक वो पॉलिटिकल इंटरेस्टेड जो इनका है एक मकसद को लेके एक डिसीजन है जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। और दूसरे नंबर पे ये गुजारिश करते हैं, दूसरी हमारी डिमांड ये है, जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन जो है हम उसको खरी से मजम्मत करते हैं। जब उन्होंने ये कमीशन बनाया किसके लिए बनाया, रिजर्व कैटेगरीज के लिए, रिजर्व कैटेगरी के कितने लोग थे उस कमेटी के अंदर, नो वन, कोई नहीं था। और किससे के मिले आप ट्राइबल के ऊपर फैसला ले रहे हैं, कोई ट्राइबल की किसी डेपुटेशन से, किसी मेंबर से, किसी पीसी मेंबर से, किसी इंटेलेक्चुअल तबका से आप मिले, नहीं मिले, आपने बैठे और आपने हमारे खिलाफ फैसला जारी कर दिया, ये नहीं चलेगा, हम इसको नहीं मानते। और दूसरे नंबर जीडी शर्मा कमीशन के ऊपर एक और बात कि ओबीसी और आरबीए के लोग भी वहां पे जम्मू के अंदर रो रहे हैं, सैनी कम्युनिटी है जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है कि हमें क्यों आप रिजर्वेशन के अंदर डाल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। तो जिनको नहीं चाहिए उनको डाल रहे हैं, जिनको बेचारों को चाहिए थी उनके अंदर आप और कम्युनिटीज को डाल रहे हैं। तो हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ट्राइबल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट हैं, आप उनको डाइल्यूट नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर यह जब कहा जाता है कि आपके हिस्से को कुछ नहीं होगा, तो हमें 7% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें है, 10% स्टेट के लिए है, तो हमें ओपन में फाइट करना पड़ता है सबके साथ, लद्दाखीज भी आ जाते हैं, हमारे गुरेसी भाई हैं वो भी हैं, गद्दी सीपी, हम सब फाइट करते हैं ओपन में सबके साथ, रिजर्वेशन के अंदर भी एक बड़ी फाइट होती है, सबके लिए खुला है वहां पे। तो ये झूठ है, सिरे से हम इसको खारिज करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोटा विद इन कोटा एंड रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन जो है नहीं मानने से इनकार कर दिया। और हमारी लास्ट डिमांड जो है वो ये है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, कंडक्ट इमीडिएट सर्वे ऑफ द नोमैड कम्युनिटी। तो जनाब इसके अंदर आप सर्वे जब देखें, 2011 का सर्वे देखें, गुजरों के अंदर एक बकरवाल कम्युनिटी है जिसका आप सर्वे देख के चौंक जाएंगे कि वो 1951 के अंदर आज़ादी से पहले 82,000 थे और 70 साल बाद 2011 के अंदर मसे 1,23,000 हुए, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन से भी कम है। तो ये हमारे साथ सीधा भद्दा मजाक है, हमारी ये भी डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बात कहता है कि प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, यानी कि हमारे जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिले। तो हमारी पहले गिनती तो हो हम कितने हैं, आपने 15 लाख बोला है 2011 में, लेकिन हमारा मानना है 30 लाख हैं। अब हम जितने भी हैं आप उनका सही सर्वे कीजिए और जो हमारा हक है वो हमें पूरा का पूरा दिया जाए।